Pakistan would do well to put its own house in order, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. पाकिस्तान को सीधा अल्टीमेटम, खाली करो पीओके। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भारत ने अपने दिल की नहीं, पीओके के दिल की बात एकदम साफ लफ्जों में कह दी है, वो बात जो पीओके के हर बाशिंदे की जुबान पर है। पाकिस्तानी जोर जबरदस्ती के खिलाफ उबलते पीओके से आई एक बेहद मार्मिक तस्वीर ने इस सच को फिर से दुनिया के सामने रख दिया है। पीओके के एक गांव में पाकिस्तानी अफसरों के पैर पकड़ती इस महिला को देखिए और इसकी पुकार सुनिए। क्यों गरीब लोगों पर जुल्म करने हो? मोदी ने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था, जयशंकर ने कहा था, तीनों ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ खुद पीओके से आवाज उठेगी, खुद पीओके के लोग भारत में शामिल होने का आंदोलन छेड़ेंगे। अक्षरशः वही हो रहा है। पीओके के लोगों को पाकिस्तान साल भर से आटा नहीं दे पाया, 75 साल से गैस नहीं दे पाया, 75 साल से बिजली नहीं दे पाया, दिया तो सिर्फ आतंकी कैंप और आतंकवादी। यानी जब से पीओके वजूद में आया तभी से यहाँ के लोग नरक जैसी जिंदगी भुगत रहे हैं। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक अजीब सी कैफियत है। यहाँ किसकी हुक्मरानी है, किस जमात की हुक्मरानी है, किसी को कोई नहीं पता। इन चोर लुटेरों को लूटने से गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद इदारा है जिनके ऊपर इस्लामाबाद सरकार और उनके गुमाश्ता दलालों की नजरें हैं। उनकी नजरें हमारी चरागाहों पर है, हमारे मेंड्रेस पर है, उनकी नजरें हमारे ग्लेशियर्स पर है, उनकी नजरें हमारे दरियाओं पर है। ना हम किसी दरिया पे कब्जा करने देंगे, ना ग्लेशियर पे कब्जा करने देंगे। यहाँ लड़ना ये याद रखो, लड़ोगे तो आपको जीने नहीं देंगे। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तानी फौज जबरन कब्जा करके बैठी है, वहाँ के लोगों के दिलों से अब पाकिस्तानी बंदूकों का खौफ भी निकल चुका है। फौजी गाड़ियों को सरेआम घेरा जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली तक आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। ये सब देखकर भी पाकिस्तान के कठपुतली पीएम बड़ी बेशर्मी से यूएन में जाकर कश्मीर में जनमत संग्रह का घिसा पिटा रट्टा सुना आए। इंडिया हैज इवेडेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस व्हिच कॉल फॉर द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी डिसाइडेड बाय इट्स पीपल थ्रू यूएन सुपरवाइज्ड प्लेबिसाइट। लेकिन पाकिस्तानी पीएम अनवारुल हक काकड़ के मुंह पर एक कश्मीरी ने ही झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया है। हिंदुस्तानियों मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ।
अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो मुझे 1250 रुपए का आटे का बैग मिलता जो मेरे अंदर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो शायद मुझे 250 रुपए का मिल्क का केजी लेना, यहाँ मुझे इंडिया में 40 रुपए का मिल रहा है। अगर मैं वहां का होता तो शायद मैं भी जहां प्राइम मिनिस्टर को सलाखों के पीछे धकेल दे, इमरान खान वॉज द पीएम ऑफ दैट कंट्री हैज बीन पुट बिहाइंड द बार्स ना, जिस कौम का ऐसा सत्यानाश हुआ हो वहां एक कॉमन इंसान की क्या आइडेंटिटी होगी, उसका क्या कॉमन प्रोटेक्शन है। सो आई एज ए कॉमन कश्मीरी डोंट वॉन्ट पाकिस्तान, इवन आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ दैट वेरी नेशन। कश्मीरी मुसलमान का जवाब पाकिस्तान के लिए लकवा मार जाने जैसा है तो पीओके से उठ रहे ये नारे पाकिस्तान को कब्रिस्तान में भेजने के लिए काफी है। पीओके के लोग साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी जान छोड़ो। यहाँ कश्मीरी मार गए होते हैं और वो कहते हैं कि मैं वैसे याद का डांस देखने पाकिस्तानी मीडिया पे मेरे इस खूनी लकीर पे मरने वाले कट गिरने वालों की खबर तक नहीं आती। हमारे देश की बिजली पे कब्जा वापडा का है, हमारे देश की बिजली पे कब्जा वापडा का है। हमारी जान छोड़ो अब अगर कुछ डर खुदा का है, हमारी जान छोड़ो अब अगर कुछ डर का खुदा का है। चलाओ मत हमारे हक पे आरा, एक होने दो, ये तीनों मुनकसम हिस्से दोबारा एक होने दो। पाकिस्तान को सीधी बात सीधे तरीके से समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या। इसीलिए पीओके की आवाज को यूएन के मंच तक पहुंचाने का जिम्मा भारत ने उठाया और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. पाकिस्तान भले ही जम्मू कश्मीर को विवादित इलाका बनाने की नाकाम कोशिश में जुटा हो लेकिन पीओके पर भारत का दावा दुनिया मानने लगी है। G20 बैठक में सामने आए भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ये नक्शा मुस्लिम देश यूएई ने जारी किया है जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यूएई का जो बेसिकली प्रॉब्लम है, उनका जो जनरल इशू है वही है कि यूएई में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो इंडियन है और पाकिस्तानियों का वहाँ पर कोई वैल्यू कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पर इंडियंस की वहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत है। मौजूदा जो सियासी और हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल है इसमें कश्मीर बेचारों के लिए तो कुछ करना बहुत मुश्किल है, हम अपने लिए कुछ कर जाएं तो बहुत अच्छी बात। 70 सालों में कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट ने आपकी लगवाया। नहीं, मेरे ख्याल से हमने सिर्फ नारे ही लगाए हैं उनके लिए, ऐसा सच ऑन ग्राउंड हमने उनके लिए किया कुछ भी नहीं है। तो फिर हम किस हक से कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये हमारी ख्वाहिश है। तो पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो हैं पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि अपने फैसले हम खुद कर सकें या अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। इंडिया को एज बिल्कुल है, पूरी दुनिया में इंडिया को एज है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दुनिया जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एज। तो पाकिस्तान से वहाँ पर कुछ नहीं जाता है, बस सिर्फ वहाँ पर मांगने के लिए जाते हैं। तो इंडियन वहाँ पर उनका वहाँ पर वैल्यू है, इज्जत है और पाकिस्तानी हुक्मरानों का जो है ना कोई हाल नहीं वहाँ पर। पीओके में आज़ादी के नारों और भारत में शामिल होने के आंदोलन से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि वो स्थानीय नेताओं को धड़ाधड़ गिरफ्तार कर रहा है, फिर भी ये आंदोलन थम नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म है उसकी कोई हुकूमत नहीं है, नंबर वन। कहीं और से तमाम चीज़ें गवर्न हो रही हैं। एक तहरीक चल रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर और उस तहरीक को कोई पॉलिटिकल बॉडी लीड नहीं कर रही। यानी कि आप ये कहते हैं कि आवाम खुद ही अपनी तहरीक को लीड करेगी और यही आगे जाएगी। और हुआ ये है कि चंद लोगों ने, चंद मखसूस अदारों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर पनपने वाली जो लीडरशिप थी उसके पर काट दिए।
और उसके बाद अब ये जो तहरीक है इसी तरह लीडर लेस रहेगी, तो इसके साथ अवाम ने इस तहरीक को अपने हाथ में लिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान की कोई वक़्त भी नहीं है। पीओके में बिजली की भारी समस्या है। पाकिस्तान के लिए बिजली यहीं से पैदा होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। बिजली का रेट 60 रुपए यूनिट से ज्यादा है। दिन भर में 17-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, इसके बावजूद यहाँ के लोगों का बिल 25 से 30 हजार रुपए तक आता है। एक बात यहाँ पर वाजिया तौर पर ये बात है, ये मुजफ्फराबाद डिवीजन के लोगों से है कि आज से बिजली बिलात बैकआउट मुहिम का बाकायदा जो आगाज है वो हम कर चुके हैं। जिस जो ऐलान हमने मुश्तरका मीटिंग में किया है, आज बिलात बैकआउट का आगाज हो चुका है। तमाम जो लोग हैं वो अपने बिलात जो है वो धरने में जमा करवाए। तमाम जो दोस्त हैं मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि वो तमाम तमाम तहसील हेडक्वार्टर में जो है वो पुरामन धरने दें और अब बिजली बिलात जो बाइकाट में है उसको मजीद आगे बढ़ाएं।